हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वाशी रेसिडुए थ्योरम पर बेस्ड 5 एग्जांपल्स यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद 10 एग्जांपल्स की मैं आपको एक एक्सरसाइज दे दूंगा, जिसका आंसर भी वहां पर लिखे होंगे, तो आप घर पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहां पर क्वाशी रेसिडुए थ्योरम पर बेस्ड ये एग्जांपल्स हैं, तो क्वाशी रेसिडुए थ्योरम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो जरूर देख लें, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। अब यहां पर क्वाशी रेसिडुए थ्योरम का मैंने यहां पर कंक्लूजन लिखा हुआ है। कंक्लूजन ये था कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है सी कर्व के अबाउट, तो आंसर आता है 2πiota सिग्मा आर। सिग्मा आर का मतलब है रेजिड्यूज का सम। रेजिड्यूज निकालना भी हमने सीखा हुआ है, तो जितने भी पोल्स आएंगे उन सभी पर रेजिड्यूज का सम सिग्मा आर होता है, और ये कॉची रेजिड्यू थ्योरम का सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहां पर बात यह है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पर ध्यान देने वाली है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां पर करूंगा कॉची रेजिड्यू थ्योरम पर बेस्ड, वो सभी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला पर भी। इसकी हेल्प से भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो आप, सेम आंसर आएगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम आएगा। और इन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया हुआ है, दोनों फॉर्मूला पर बेस्ड करीब 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे पिछले वीडियोस में, आप वो प्लेलिस्ट आराम से देख सकते हैं। और उन्हीं सेम क्वेश्चंस को अगर आप कॉची रेसिड्यू थ्योरम से करोगे तो आंसर एकदम सेम आएगा उन्हीं सबको। हालांकि मैं नए क्वेश्चंस ले रहा हूं ताकि प्रैक्टिस कुछ नए क्वेश्चंस की हो, लेकिन आप उनको भी सॉल्व करोगे तो आंसर एकदम सेम आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे भाई, हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि जो भी आप इंटीग्रेशन निकालना चाहो उसके लिए 2πiota सिग्मा आर आंसर है। तो सिग्मा आर मतलब रेजिड्यूज का सम। अब रेजिड्यूज का सम कहां पर, इस सी कर्व के अंदर ही होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो सी कर्व क्या है हमारा, सी कर्व यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कारण से। अब सी कर्व है हमारा मॉड जेड इज इक्वल टू 2.5, मतलब 2.5 रेडियस का 0-0 वाला सर्किल बन रहा है, 0-0 सेंटर वाला। तो 2.5 रेडियस का अगर 0-0 सेंटर वाला मैं सर्किल यहां बनाऊं तो वो लगभग इस तरह का बनता है। मान लो ये 2.5 है और हमारे जो पोल्स आएंगे, चेक करते हैं वो पोल्स इसके अंदर है कि नहीं है। जो पोल्स इसके अंदर होंगे वही काम के होंगे इस फॉर्मूले के लिए, बाकी को हम इग्नोर कर देंगे, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स ऐसे लूंगा जिसमें इसके अंदर ही है सारे पोल्स, लेकिन कुछ लास्ट वाले एग्जांपल्स ऐसे लूंगा कुछ पोल्स इसके बाहर भी जा रहे होंगे, तो उसको हम इग्नोर कैसे करते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अब बात करते हैं पोल्स क्या है इसके। तो पोल्स कैसे निकालें, मुद्दा ये है, पोल्स निकालने के लिए तरीका होता है डिनोमिनेटर को आप जीरो के इक्वल कर दो, आराम से पोल निकल जाएंगे। इसको भी जीरो के इक्वल कर दो, इसके करने से 1 और 1 दो ऑर्डर का पोल निकल गया। इसको जीरो के इक्वल करोगे तो सिंगल ऑर्डर पोल निकला है। जो सिंगल ऑर्डर पोल होता है उसको आप बोलते हो सिंपल पोल। तो जेड इज इक्वल टू 2 पर सिंपल पोल निकला है, ठीक है, और जेड इज इक्वल टू 1 पर डबल पोल निकला है, या कह लो पोल ऑफ ऑर्डर 2 निकला है, दोनों एक ही बात है, डबल पोल कह लो या पोल ऑफ ऑर्डर 2 निकला है। सिंपल पोल के लिए, अच्छा इन दोनों को जरा प्लॉट करना पहले, तो 1 और 2 अगर यहां प्लॉट करोगे तो भाई 2.5 के तो अंदर अंदर ही आ जाएंगे ना। 1 और 2 प्लॉट करोगे 2.5 के अंदर अंदर आ जाएंगे, मतलब ये भी हमारे काम का है, ये भी हमारे काम का है, दोनों पर ही रेजिड्यू निकालनी पड़ेगी। मान लो इनमें से ये वाला बाहर आ जाता तो इस पर रेजिड्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जो अंदर आएगा पोल इस सी कर्व के, जो क्वेश्चन में दिया होगा, सी कर्व के जो जो पोल अंदर आएंगे उन्हीं पर हम रेजिड्यू निकाल करके उनका टोटल करेंगे, बाकी का नहीं करना है। फिलहाल दोनों अंदर आ रहे हैं इसलिए हम इन दोनों पर रेजिड्यूज निकालेंगे और उस फॉर्मूले में रख देंगे। अब रेजिड्यू कैसे निकालें, सिंपल पोल के लिए रेजिड्यू का अलग फॉर्मूला है, और पोल ऑफ ऑर्डर एम के लिए हमने अलग फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो दोनों के लिए फॉर्मूले अलग अलग लगेंगे। मैं एक काम कर रहा हूं, ये यहां से हटा देता हूं, इसकी कोई नीड नहीं है, मैंने केवल बताने के लिए यहां पर लिख दिया था ये फॉर्मूले। तो इसकी जगह मैं ये रेजिड्यू निकालने के फॉर्मूले यहां लिख देता हूं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे आराम से। देखिए ये मैंने दोनों सिचुएशंस में फॉर्मूले लिख दिए हैं, सिंपल पोल के लिए ये फॉर्मूला है और पोल ऑफ ऑर्डर एम के लिए ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले सिंपल पोल हम लोग निकाल लेते हैं जेड इज इक्वल टू 2 पर। तो सबसे पहला काम, रेजिड्यू हम निकाल रहे हैं एफ ऑफ रेजिड्यू, एफ ऑफ ये जेड जीरो पॉइंट मतलब 2 पॉइंट पर कितना आएगा भाई, फॉर्मूला में वापस नहीं लिख रहा हूं, बस वहां से डायरेक्ट यहां पर वैल्यूज रख रहा हूं। एग्जाम में आप आराम से फॉर्मूला लिखें फिर आंसर निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा ये बनेगा लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स z0 मतलब 2 और z माइनस z0 मतलब 2 और f of z हमारा ये रहा, जो कि है z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू z माइनस 2। कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं यहां पर,
तो जो कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करके हम आराम से यहाँ पर लिमिट रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। z इज इक्वल टू टू यहाँ रख दो डायरेक्ट ही, टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू माइनस वन का होल स्क्वायर, कट पिट करके लास्ट में आंसर चार आ रहा है, वैसे कट कुछ रहा ही नहीं है, चार आंसर आ रहा है साफ साफ यहाँ पर, है ना। तो इस पर रेजिड्यू हमने निकाल लिया, एक इस पर रेजिड्यू निकाल लेते हैं, फॉर्मूले में रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो इस पर रेजिड्यू निकालने के लिए फॉर्मूला ये वाला लगेगा, पोल ऑफ ऑर्डर m, हमारा ऑर्डर क्या है 2, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 2, पहली बात तो ये। तो यहां के लिए m की वैल्यू 2 रखने वाले हैं हम लोग, और z0 इस बार रखने वाले हैं, पॉइंट क्या है 1, ये दोनों वैल्यूज का ध्यान में रखते हुए फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। तो जरा देखें आप, रेजिड्यू हम निकालने वाले हैं 1 पर कितना आएगा, लिमिट, लिमिट तो बाद में पहले ये रखेंगे, ये है 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 1, लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स z0 मतलब 1 यहां पर भी है, और m माइनस 1 का मतलब 2 माइनस 1 मतलब 1 ही हो जाएगा, तो d बाई dz आएगा सिंपल में यहां पर, और z माइनस z0 मतलब 1 होल पावर 2, f of z अगेन यही वाला यहां पर जो है वो है z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर और z माइनस 2, और ये हमारा बन गया। और यहां पर आप देखोगे कैंसिल आउट हो रही है कुछ चीजें, जो बचा है उसका पहले डिफरेंशिएशन करना है फिर लिमिट रखनी है। तो पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार मैं लिख दूं साफ सुथरा ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, ये हो जाएगा d बाई dz और यहाँ बचा जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2, अब आराम से u अपॉन v लगा करके डिफरेंशिएशन करो, लास्ट में लिमिट रख देना आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर u अपॉन v लगाएं, जरा u अपॉन v लगाएंगे तो कितना आएगा, नीचे जो भी लिखा है उसका स्क्वायर आएगा, ये चीज एज इट इज लिखोगे, z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z हो जाएगा, माइनस z स्क्वायर एज इट इज लिखोगे, z माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे डायरेक्टली लिमिट रख दो, क्यों इतनी मेहनत करें फालतू, अपन वैल्यू तो रखनी है, तो 1 रख दो यहां पर, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और डिवाइड में 1 माइनस 2 का स्क्वायर, वो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा, वो तो ऊपर बन रहा है माइनस 2 माइनस 1, अल्टीमेटली मतलब ये 3 आ रहा है माइनस का, ये आप देखो आराम से। दोनों की रेजिड्यूज हमने निकाल ली है, रेजिड्यूज का सम करके यहाँ लगा देना है आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख देता हूँ वैल्यू, जगह नहीं है तो मैं ऊपर ही रख देता हूँ सीधा सीधा, क्या आएगा 2 पाई आयोटा, तो एज इट इज दोनों रेजिड्यूज का टोटल कर लो, टोटल करोगे तो 4 और माइनस 3 ये तो 1 हो गया, तो रिजल्ट क्या आया, इस पूरे इंटीग्रेशन का आंसर आया 2 पाई आयोटा, बस इतना इसका आंसर मिल गया हमारे को। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, कहने का मतलब ये होगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मैं आगे और क्वेश्चंस ले रहा हूँ अलग अलग वैरायटी के, आप लोग देखेंगे आराम से आंसर आएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सेकंड एग्जांपल है हमारा, जेड कॉस जेड अपॉन जेड माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर डी जेड, और सी कर्व हमें दे रखा है जेड माइनस वन मॉड इज इक्वल टू वन, मतलब सेंटर तो हमें लेना है इसको जीरो के इक्वल करके, सेंटर क्या आएगा जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब जेड इज इक्वल टू वन, जेड इज इक्वल टू वन का मतलब वन प्लस आयोटा जीरो, दैट मीन्स 1, 0, ये हमारा सेंटर हो गया, रेडियस हमारी 1 है ही। हम चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे रीजन के अंदर अंदर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारे पोल क्या आएगा यहाँ पर, एक ही पोल दिख रहा है यहाँ पर, पोल यहाँ पर आएगा जेड माइनस पाई बाई टू का जो भी है स्क्वायर उसको जीरो के इक्वल करोगे तो जेड यहाँ से आएगा पाई बाई टू कोमा पाई बाई टू, पोल ऑफ ऑर्डर 2 दिख रहा है साफ साफ, पोल ऑफ ऑर्डर 2 दिख रहा है, लेकिन हमारे रीजन के अंदर आ रहा है कि नहीं, हमारे काम का भी है कि नहीं, या फिर इसको इग्नोर करना है, ये कैसे पता चलेगा, डायग्राम बना करके। डायग्राम बनाते हैं, देखो जरा ग्राफ बनाओ इसका, 1, 0 सेंटर और रेडियस भी 1 ही लेनी है, तो ये करीब करीब ऐसा बनेगा, ये करीब करीब ऐसा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने लिख दिया 1, 0, ये आ गया 2, 0 और ये हमारा है 0, 0। अब बात करें पाई बाई टू की, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, पाई बाई टू का मतलब है 3.14 अपॉन में 2, 3.14 को 2 से डिवाइड दोगे तो 1.5 समथिंग आएगा आई थिंक, कहने का मतलब 2 से तो कम ही आएगा, आएगा तो यही कहीं पाई बाई टू आएगा, तो पाई बाई टू पॉइंट हमारा हमारे रीजन के अंदर ही आ गया, सी कर्व के अंदर ही आ गया, इसका मतलब ये काम का है, इसको कंसिडर करना है। अगर ये बाहर आ जाता
तो रेसिड्यू निकलती ही नहीं, जीरो हो जाती, तो आंसर 2 पाई आयोटा इंटू जीरो हो जाता। ये पिछले वाले क्वेश्चन का मैंने लिखा हुआ है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें मिल गया है पोल, तो ऑर्डर 2 का मिल गया है, फॉर्मूला सेम लगाएंगे, पिछले वाले में जो लगाया था सेम टू सेम हो गया। यहाँ पर फिलहाल m की वैल्यू अगेन 2 और z0 की वैल्यू पाई बाई 2 मानी जाएगी, और अकॉर्डिंगली अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास वैल्यू आती है रेजिड्यू f ऑफ, यहाँ पर आएगा पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 - 1 फैक्टोरियल लिमिट z0 का मतलब पाई बाई 2 डी बाई डी जेड, क्योंकि m माइनस 1 है तो 2 - 1 1 हो जाएगा, z - z0 z - π/2 होल पावर हो जाएगा यहाँ पर m m मतलब 2, और f ऑफ z का मतलब हो जाएगा ये, जो कि है z इंटू कॉस z अपॉन z - π/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर आप इसको कैंसिल आउट कर लो, कैंसिल आउट हो गया, हमेशा होगा कैंसिल आउट इस सिचुएशन में। बचेगा क्या हमारे पास, ये तो 1 हो गया, यहाँ पर बचा लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2, और ये आ रहा है डी बाई डी जेड ऑफ जेड इंटू कॉस ऑफ जेड, यू इंटू भी लगा करके एक बार डिफरेंशिएशन करो, लास्ट में लिमिट रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो करें जरा डिफरेंशिएशन इसका, ये लिमिट तो एज इट इज चल रही है, यू इंटू भी तो फर्स्ट एज इट इज, कॉस जेड का हो जाएगा माइनस साइन जेड, प्लस में कॉस जेड एज इट इज, जेड का हो जाएगा 1, वैल्यू रख दो पाई बाई 2, तो ये माइनस तो बाहर, जेड का मतलब पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, रिजल्ट आया माइनस का पाई बाई 2। सिर्फ एक ही पोल था तो सिग्मा आर का कोई मतलब नहीं है, एक ही हमें मिलेगा आर की वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो आंसर क्या मिलेगा, देखो जरा, यहाँ पर अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू रखते हो तो 2 पाई आयोटा सिग्मा आर सीधा माइनस पाई बाई 2 ही है, तो माइनस का पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचेगा माइनस का पाई स्क्वायर आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से मतलब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड एग्जांपल की तरफ। देखिए देखिए, ये थर्ड एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर, और काफ़ी खास एग्जांपल है, खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं है जिसको जीरो के इक्वल करके हम पोल निकाल लें, पहली बात तो ये, डिवाइड में कुछ नहीं है, तो और ऑब्जर्व करो कि ऐसे कौन से सिंगुलर पॉइंट पॉसिबल है जिसके कारण भाई फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा है। तो z इज इक्वल टू जीरो अगर अपन रखें तो e की पावर 1/0 मतलब e की पावर इनफाइनाइट बन रही है जो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई z इज इक्वल टू जीरो यहां पर पोल है हमारे लिए, पोल ऑफ ऑर्डर 1 कह सकते हो, ऑर्डर 1 का मतलब हो गया सिंपल पोल हो गया। सिंपल पोल में हालांकि हम ये फॉर्मूला लगा करके काम चला सकते हैं, लेकिन यहां पर इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम आ जाएगी, इस फॉर्मूले से आंसर नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये उस फॉर्मेट में नहीं है क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में हमने बाकी क्वेश्चंस किए हैं कि डिवाइड में कुछ फैक्टर्स होते थे जिसके कारण हम उसको सॉल्व कर लेते थे इस फॉर्मूले से, और वो फैक्टर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो डिवाइड में हमेशा कट जाता था इससे। तो यहाँ पर अगर वैसा कुछ होता तो काम बन जाता। अभी आप अगर रख भी दो, मैं एक बार रख के दिखा देता हूँ हालांकि आपको कि प्रॉब्लम क्या आएगी। अगर आप यहाँ पर रख दोगे ना जीरो पर, तो क्या बनेगा, यहाँ लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, z माइनस जीरो z ही हो गया, और f ऑफ z का मतलब ये इंटू में z इंटू e की पावर 1/z, तो ये बनेगा आपका लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो z स्क्वायर e टू दी पावर 1/z। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे भाई, प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई, इसको आगे सॉल्व करने में जान निकल जाएगी हमारी, सॉल्व नहीं हो रहा है ये। तो ऐसी सिचुएशन जब आए, जब आपके फैक्टर्स नीचे नहीं है, इस तरह का कुछ उटपटांग सा फंक्शन बन रहा है जिसके कारण हम सोच करके निकाल रहे हैं कि भाई पोल ये आएगा, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप बेसिक से चलो। बेसिक क्या होता है, रेजिड्यू कहते किसको हैं, रेजिड्यू कहते हैं कि जब हम फंक्शन का एक्सपेंशन करते हैं पूरा का पूरा, तो जो 1/z - z0, हालांकि z0 की वैल्यू यहाँ 0 है, तो 1/z का जो कोफिशियंट आएगा वो हमारा रेजिड्यू होगा, तो उसकी हेल्प से हम करेंगे इसको। इसको एक्सपेंड करके आंसर निकालना बेहद आसान है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कि किस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इस फंक्शन को। ये हमारा कंप्लीट फंक्शन है, तो कंप्लीट फंक्शन मैं यहां लिख रहा हूं, एक्सपेंशन तो इसी का होगा, हालांकि बस जेड इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जेड तो मैं बाहर लिख देता हूं। इसका एक्सपेंशन ई की पावर एक्स का होता है 1+x + x² / 2
इस तरह से मतलब आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग, ये इसका एक्सपेंशन होता है। इससे आगे करने की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अभी क्यों नहीं है नीड। जेड इंटू वन जेड हो गया, जेड इंटू वन बाई जेड वन हो गया, ये जेड इंटू वन बाई जेड स्क्वायर वन अपॉन जेड हो गया, एक पावर कट गई, और ये फैक्टोरियल टू का मतलब टू हो गया, और ये इस तरह से मतलब चलता जाएगा। हमें केवल इतने से ही मतलब है, हमें केवल ये जानना है कि भाई वन अपॉन जेड का जो कोफिशियंट है वो कितना है। तो वन अपॉन जेड का कोफिशियंट ऑफ वन बाई जेड वो आ रहा है वन बाई टू, ये ही हमारी रेजिड्यू हो जाएगी, ये ही हमारी रेजिड्यू जीरो पर हो गई एक तरीके से। तो ये इतना आसान है, मतलब एक्सपेंड करके तुरंत मिल जाता है। इस तरह के फंक्शंस जो भी हो, e की पावर में, साइन में, कॉस में, टेन में, उनका सिंपल आप एक्सपेंशन करो टेलर सीरीज से, तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करें कि भाई इस रेजिड्यू का क्या करना है, वहां रख दो आप आंसर में। तो ये पुराना वाला मैं हटाता हूं और यहां पर नया वाला लिख देता हूं। तो सिग्मा आर, क्योंकि ए की पोल था तो सिग्मा की कोई नीड नहीं है, वन बाई टू यहां पर लिखा जाएगा, और रिजल्ट क्या आएगा, टू से टू कैंसिल आउट होगा, आंसर आएगा पाई आयोटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पाई आयोटा। यहां विशेष ध्यान देने वाली बात यह थी कि यहां स्पेशल फंक्शन आ गया था, डिवाइड में इस तरह का कुछ फैक्टर वगैरह नहीं दिख रहे थे या पॉलिनोमियल नहीं दिख रहा था जिसको हम जीरो करके पोल निकाले हों। यहां कुछ अलग तरह से पोल देखना पड़ा हमें कि क्या होगा, और अकॉर्डिंगली फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था वहां पर, इस फॉर्मूले से रिजल्ट नहीं मिल रहा हमें, तो हमने बेसिक का यूज लिया और बेसिक से हम 1 बाई जेड का कोफिशियंट निकाले जो हमारे को रेजिड्यू मिल गया। बाद में तो फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। बाकी मैंने सी कर्व तो यहां पर ऑब्जर्व ही नहीं करवाया आपसे, बाकी सी कर्व आप देखोगे तो यूनिट रेडियस का सर्किल है और जेड इज इक्वल टू जीरो इसके अंदर ही आ रहा है, इसलिए मतलब हमारे काम का ही था ये भी, मैं भूल गया वापस से आपको ये बताना। तो ये भी ध्यान रखना है हमें कि सी करो पहले बना के देख लें जो पोल हम निकाल रहे हैं वो हमारे काम का पोल है भी कि नहीं, अंदर भी आ रहा है कि नहीं सी करो के, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको और क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे आपको, देखिए। हाँ जी, देखिए फोर्थ क्वेश्चन, कुछ खास नया सीखने को मिलेगा हमें इसमें, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम ये देखें कि पोल कौन कौन से मिल रहे हैं इसको देख करके। पोल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले ये तीन फैक्टर्स हैं, तीनों को जीरो के इक्वल करेंगे हम लोग। ये जब जीरो के इक्वल करोगे तो तीन आंसर आपको मिलेंगे, एक तो जेड इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है, वन मिल रहा है, टू मिल रहा है, ये तीन हमें पोल मिल रहे हैं। तीनों के तीनों सिंपल पोल ही हैं, तीन पोल मिल रहे हैं, तीनों के तीनों सिंपल पोल हैं, लेकिन इनमें से सारे काम के हैं या कुछ काम के हैं ये कौन बताएगा? ये पता चलता है हमें सी कर्व की मदद से। सी कर्व एक बार बना लेते हैं, उसमें चेक करते हैं सारे पोल हमारे अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अभी तक तो आ ही रहे थे, इसमें देखते हैं एक बार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर 1.5 रेडियस का मैंने ये सर्किल बना दिया, 0 0 सेंटर वाला। अब हम मार्क करते हैं, देखो जेड इज इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट है जेड इज इक्वल टू जीरो, ये 1.5 बोला गया है हमें, तो भाई वन तो यहां आएगा और टू यहां आएगा, जाहिर सी बात है। तो अब देखो ध्यान से, जीरो हमारे सर्किल के अंदर दिख रहा है, वन हमारे सर्किल के अंदर दिख रहा है, टू हमारे सर्किल से बाहर दिख रहा है, इसलिए ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे लिए पोल नहीं माना जाएगा। हमारे काम का जो पोल है वो ये दो ही है, हमें इन दो से ही आंसर निकालना है। ये एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि हमारे जो सर्किल सी दे रखा है या सी जो भी कर्व दे रखा है क्लोज्ड कर्व, उसके अंदर ही मिलना चाहिए पोल, उसके बाहर है तो वो पोल हमारे काम के नहीं है, हमारे केवल अंदर वाले पोल काम के हैं। तो जीरो और वन पर सिर्फ रेजिड्यू निकालो और इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, टू को इग्नोर करना है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में, है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे, दोनों पे सिंपल पोल है, सिंपल पोल के लिए फॉर्मूला भी सिंपल है, हम लोग लगा देते हैं। सबसे पहला काम, सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं रेजिड्यू एट पॉइंट जीरो कितना आएगा, लिमिट जेड टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो गया, जेड माइनस जीरो इंटू एफ ऑफ जेड ये रहा। ये जो सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ना ऊपर और नीचे, वो तो एकदम सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं इनसे। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो था, उस तरह के क्वेश्चन जरूर हमें एक्सपेंशन से सॉल्व करने होते हैं, बाकी इस तरह के क्वेश्चन तो जो पॉलिनोमियल्स में है बहुत आसानी से लिमिट निकल जाती है, जीरो रखोगे अब आंसर आ जाएगा, वन माइनस जीरो और नीचे वन माइनस जीरो अगेन जीरो माइनस टू, रिजल्ट आया माइनस का हाफ, ये बन गया। अब बात करें सेकंड है हमारा रेजिड्यू एट पॉइंट वन, वन पर रेजिड्यू निकालोगे तो लिमिट
z tending towards 1, z minus 1 into f of z है 1 minus 2z divided by z into 1 minus z और z minus 2, ये हमारे पास आ गई। अब इसमें क्या करना है, इसमें वही ये तो कैंसिल आउट तो हो रहा है लेकिन माइनस साइन के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, तो माइनस साइन के साथ कैंसिल आउट हो रहा है तो मैं एक लाइन में लिख ही देता हूँ, अगली लाइन में लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स 1, माइनस साइन यहाँ बचेगा, उस माइनस साइन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, z इंटू z माइनस 2। अब वैल्यू रख दो 1, 1 रखोगे तो ये बनेगा देखो 1 माइनस 2 इंटू 1, माइनस 1 ऊपर बच रहा है, नीचे 1 यहाँ पर और 1 माइनस 2 माइनस 1 यहाँ बच रहा है, तो रिजल्ट क्या आया, ये माइनस 1 आ रहा है ओवरऑल, ठीक है माइनस 1 आ रहा है, दोनों का टोटल कर लो आप लोग। अब दोनों पे रेजिड्यूज मिल चुकी है, फॉर्मूले में वैल्यू रखो आंसर मिल जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू अगर रखते हैं, मैं इधर ही कर देता हूँ जगह इस बार, तो हमें 2 पाई आयोटा सिग्मा आर चाहिए, तो इसका मतलब 2 पाई आयोटा सिग्मा आर का मतलब क्या हो गया, माइनस हाफ और माइनस 1 का टोटल, तो माइनस हाफ माइनस 1 ये बन रहा है 2 पाई आयोटा माइनस का 3 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया माइनस का 3 पाई आयोटा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका इंटीग्रेशन का। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई जो हमारे सी कर्व के अंदर आ रहा है केवल वही पोल लो और रेजिड्यूज निकाल करके टोटल करके इस फॉर्मूले में रख दो, सिंपल काम है। आगे एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब होता हूँ जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। देखिए देखिए ये है हमारा क्वेश्चन फिफ्थ वाला, 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक जेड डी जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड वाला क्वेश्चन आ गया। अब देखें जरा इसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर पोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा तो दिया नहीं है कि यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दे रखे हों जिसको जीरो के इक्वल कर दें पॉलिनोमियल्स में आंसर आ जाए, यहाँ पर सिंपल साइन हाइपरबोलिक जेड लिखा हुआ है। अब वो कब जीरो होता है भाई, तो वो कैसे निकालें, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर ये निकालना इतना सिंपल नहीं है। तो यहाँ पर एक खास फॉर्मूला हमें यूज लेना होगा, वो फॉर्मूला है कि साइन हाइपरबोलिक जेड जो है वो होता है माइनस का 2 आयोटा साइन आयोटा जेड के इक्वल। ये कैसे आया फॉर्मूला, ये अपने आप में एक छोटा सा डेरिवेशन मान लो आप, वो है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, अभी तो फिलहाल यूज ले लो आप इसको, ये आएगा माइनस का 2 आयोटा साइन आयोटा जेड और इक्वल में जीरो, ये जीरो में चला गया, तो अल्टीमेटली साइन आयोटा जेड इज इक्वल टू जीरो आया। अब साइन कब जीरो होता है, वो एन पाई पे जीरो होता है, ये एन पाई, ये आयोटा डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो एन पाई अपॉन में आयोटा आएगा, वन अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है, माइनस का आयोटा एन पाई या एन पाई आयोटा मान लो, ये हमारा आ गया जेड की वैल्यू आ गई, जहां पर एन बिलोंग्स टू जेड है, इंटीजर है। तो ये तो इन्फिनिट पोल्स आ गए यहाँ पर, तो पोल तो बहुत सारे आ गए, तो ये सारे पोल हमारे काम के हैं क्या, नहीं सारे काम के नहीं है, कौन कौन से हैं जो इस सी कर्व के अंदर आ रहे हैं वो चेक कर लो बस आप। अब इस सी कर्व के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, तो पहले सी कर्व में बनाता हूँ, मॉड जेड इज इक्वल टू 4 का मतलब है 4 रेडियस का हमने सर्किल बना दिया, इस सर्किल के अंदर जितने पोल होंगे केवल वो हमारे काम के हैं, बाहर के हमारे कोई काम के नहीं है। तो 4 के अंदर कौन कौन से आएंगे भाई, पाई अपने आप में देखो एन की वैल्यू अगर रखते हो आप तो जेड की क्या क्या वैल्यूज आएंगे, एक तो जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगी, उसके अलावा 1 रखोगे तो पाई आयोटा, माइनस 1 रखोगे तो माइनस का पाई आयोटा, 2 रखोगे तो 2 पाई आयोटा, माइनस 2 रखोगे माइनस 2 पाई आयोटा, इस तरह से वैल्यूज बढ़ती हुई रखते जाओ। बात यह है कि भाई पाई का वैल्यू ही 3.14 होता है, तो 3.14 आयोटा, और ये भी माइनस का 3.14 आयोटा, और ये बाकी की जो वैल्यूज हैं ये 6.28 हो गई एक तरीके से, इसका डबल 6.28 तो हमारे इससे आगे जाएगी ना, ये हमारा 4 आयोटा है, ये हमारा माइनस 4 आयोटा है, तो अगर इन दोनों वैल्यूज की बात करें, इन तीन वैल्यूज की बात करें तो वो तो हमारे अंदर आ रही है, ये तीन वैल्यूज तो हमारे अंदर आ रही है, बाकी की हमारे कोई काम की नहीं है, इस तरफ की हमारे कोई काम की नहीं है, हमारे काम की केवल तीन है, इन तीन पोल्स पर हमें रेजिड्यू निकालनी है और इस फॉर्मूले में रखनी है, आंसर आ जाएगा, बाकी के कोई काम के नहीं है हमारे, जो इनफाइनाइट पोल्स आ रहे हैं वो हमारी रेंज से बाहर जा रहे हैं इसलिए हमारे काम के नहीं है। तो यहां पर ये सी कर्व बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई कितना बड़ा ले रहे हो आप ये सी कर्व, कि उसके अंदर कितने हमारे पोल्स आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली हमारा आंसर चेंज होगा। तो फिलहाल हम लोग इन तीन पर निकालेंगे, कैसे निकालना है फॉर्मूला है सामने, क्योंकि तीनों पे सिंपल पोल है, कहीं भी कुछ स्क्वायर स्क्वायर है नहीं, तो सिंपल पोल के लिए आंसर भी सिंपल सा निकल जाता है आराम से। तो मैं यहां करता हूं, सबसे पहले तो z इज इक्वल टू जीरो के लिए निकालता हूं मैं इसका डेरिवेशन भी आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं
जेड इज इक्वल टू जीरो, ये कंप्लीट कर लेता हूँ क्वेश्चन, फिर मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगा। तो सबसे पहला रेजिड्यू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो कितना बनेगा, लिमिट जेड टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, उसमें रख रहा हूँ वैल्यू जेड माइनस जीरो मतलब जेड, और एफ ऑफ जेड हमारा है ये वन अपॉन साइन हाइपरबोलिक जेड। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ जीरो नहीं रख सकता क्योंकि जीरो पे ऊपर जीरो बन जाएगा और साइन हाइपरबोलिक जीरो भी जीरो ही होता है, जीरो बाई जीरो फॉर्मेट आ जाएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ऐसी सिचुएशन में जीरो बाई जीरो फॉर्मेट आए या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आए, दोनों सिचुएशन में डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो आप। डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग से कर लो, वो केवल उस सिचुएशन में लिमिट निकालने के लिए यूज आता है जब जीरो बाई जीरो या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रही हो, और किसी फॉर्मेट में नहीं लगा सकते आप। तो क्या करेंगे यहाँ, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग से कर लो, नीचे का डिफरेंशिएशन आप अलग से कर लो, साइन हाइपरबोलिक जेड का डिफरेंशिएशन होता है कॉस हाइपरबोलिक जेड, ठीक है। अब उसके बाद में आप लिमिट रख दो और आंसर आ जाएगा इजीली, तो बहुत आसान हो जाता है मतलब इस रूल से, डीएल हॉस्पिटल रूल हम इसको बोलते हैं। तो ये बन जाएगा जीरो रखने पर वन अपॉन कॉस हाइपरबोलिक जीरो, कॉस हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू वन होती है, तो अल्टीमेटली ये वन बन गया। अब हमें बाकी के दोनों पॉइंट्स पर रखनी है वैल्यू, तो क्या आएगा देखिए जरा, मैं काम करता हूँ इधर तो करता हूँ जितना हो जाए फिर मिटा के करेंगे। सेकंड में रेजिड्यू एट पाई आयोटा, तो लिमिट जेड टेंडिंग टुवर्ड्स पाई आयोटा और जेड माइनस पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड नीचे जाएगा सीधा का सीधा, साइन हाइपरबोलिक जेड, ये है हमारा लिमिट निकालने का हिसाब किताब। अब इसमें कैसे लिमिट निकालें, वैल्यू रख नहीं सकते, वैल्यू रखोगे तो प्रॉब्लम क्या है, अगेन पाई आयोटा ऊपर रखोगे जीरो बनेगा और नीचे साइन हाइपरबोलिक पाई आयोटा रखोगे तो वो भी जीरो बनता है, ये हर पाई पर जीरो ही बनने वाला है, तो इसलिए आप लिमिट तो इसमें नहीं रख पाओगे। अगेन डीएल हॉस्पिटल रूल आपको लगाना पड़ेगा, हॉस्पिटल रूल जब आप यहां पर रखोगे तो ये बनेगा लिमिट जेड टेंडिंग टुवर्ड्स पाई आयोटा ऊपर वन नीचे कॉस हाइपरबोलिक जेड, वैल्यू रखो जरा, वैल्यू रखोगे तो ये वन अपॉन कॉस हाइपरबोलिक पाई आयोटा, हाइपरबोलिक पाई आयोटा, हाइपरबोलिक पाई आयोटा रखेंगे तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन में टू, यहां पर रखें अगर तो ये हो जाएगा वन अपॉन ई की पावर एक्स, एक्स का मतलब पाई आयोटा, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में टू, वो टू ऊपर ही जाएगा अल्टीमेटली, तो यहां लिख देता हूं मैं इसको। अब ई की पावर में पाई आयोटा और ई की पावर माइनस पाई आयोटा क्या होते हैं वो भी एक बार मुझे बताना होगा, जगह की बड़ी शॉर्टेज चल रही है यार। ई की पावर आयोटा थीटा कितना होता है, ये होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो रख दो पाई, e की पावर आयोटा पाई, ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कॉस पाई माइनस वन होता है, साइन पाई जीरो होता है, तो ये माइनस वन बनेगा अल्टीमेटली। और अगर आप e की पावर माइनस का आयोटा पाई भी लिख देते हो ना, तो कॉस माइनस पाई और आयोटा साइन माइनस पाई ही बनने वाला है, साइन तो हर पाई पे जीरो ही होता है, कॉस के अंदर माइनस प्लस का फर्क पड़ेगा नहीं, अल्टीमेटली ये भी माइनस वन ही बनेगा, दोनों माइनस वन ही बनने वाले हैं, दोनों माइनस वन ही बनने वाले हैं, ये माइनस वन नीचे माइनस टू हो जाएगा, तो टू डिवाइडेड बाई माइनस टू, रिजल्ट इसका माइनस वन आया। सेम टू सेम हमें करना है तीसरा वाला जो कि माइनस का पाई आयोटा आएगा, माइनस का पाई आयोटा आएगा अकॉर्डिंगली ये सॉल्व होगा, तो मैं इस वाले को मिटाता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, जगह है यहाँ पर। देखिए तीसरा हम यहाँ करते हैं, रेजिड्यू हमें निकालना है माइनस के पाई आयोटा पर, तो वो आएगा लिमिट जेड टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस पाई आयोटा और जेड प्लस पाई आयोटा यहाँ पर लिखा जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एफ ऑफ जेड अगेन वो तो डिवाइड में जाने वाला है साइन हाइपरबोलिक जेड, सेम सिचुएशन है वापस से, माइनस पाई आयोटा यहाँ रखोगे जीरो बनेगा, यहाँ रखोगे ये भी जीरो ही बनता है, ये जीरो क्यों बनता है उसका लॉजिक यहाँ से है वापस से, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक एक्स में तो यहाँ प्लस आता है, साइन में यहाँ माइनस आता है, साइन में यहाँ माइनस आएगा, तो जब आप इसकी बात करें, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर साइन में माइनस आता है, बस इतना ही फर्क है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, माइनस वन माइनस माइनस वन, जिसके कारण वो क्या है जीरो बन जाता है। तो यहां मैंने शो नहीं किया लेकिन रिजल्ट यहीं से आ रहा है, बस कॉस और साइन में माइनस प्लस का ही फर्क होता है, वैल्यूज तो निकाली है, रख के देख लो आपको पता चल जाएगा ये जीरो बन रहा है, सेम लॉजिक से ये भी जीरो बन रहा है। आप माइनस का पाई आयोटा और ये यहां पर रखोगे तो अकॉर्डिंगली यहां पर माइनस प्लस बस हेर फेर होगी, रिजल्ट सेम आएंगे, वैल्यू रखोगे जीरो ही बनने वाला है, आप करके देखें आराम से, जीरो बाई जीरो बन रहा है, वापस से एल हॉस्पिटल रूल लगा दो आप यहाँ पर,
ये हो जाएगा माइनस का पाई आयोटा, ऊपर का डिफरेंशियल वन हो जाएगा, नीचे का डिफरेंशियल अगेन वही कॉस हाइपरबोलिक जेड ही हो रहा है अभी भी। आप कॉस का वैल्यू रखो पहले तो, या एक काम करो यहां रख दो कॉस हाइपरबोलिक माइनस का पाई आयोटा। इसकी वैल्यू कॉस की वैल्यू होती है वहां के अकॉर्डिंग प्लस लगा करके लिखते हैं हम लोग, तो वन अपॉन ई की पावर में माइनस का पाई आयोटा प्लस ई की पावर में प्लस का पाई आयोटा, और नीचे टू टू ऊपर चला जाएगा। दोनों की वैल्यू अभी भी सेम है, बस ये पहले लिख लिया ये बाद में लिख लिया, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो माइनस वन अल्टीमेटली तो रिजल्ट तो माइनस वन ही आने वाला है आपका, ठीक है। तो पहले वाले का रिजल्ट आया प्लस वन, दूसरे वाले का आया माइनस वन, तीसरे वाले का भी रिजल्ट आ रहा है माइनस वन। अगर आप इसमें रखोगे तो आंसर क्या बनेगा आपका, फाइनल आंसर बनेगा टू पाई आयोटा, वन माइनस वन माइनस वन माइनस का टू पाई आयोटा आपका रिजल्टेंट आया, फाइनल इंटीग्रेशन का आंसर आया। तो इस तरह से कहने का मतलब क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था क्योंकि इसमें सभी लॉजिक्स आपके लग गए कि भाई इस सर्किल के अंदर जितने आ रहे हैं केवल वही लेंगे, बाकी सबको इग्नोर कर देंगे। ऊपर से हाइपरबोलिक फंक्शन और था, हाइपरबोलिक को कैसे यूज लेना है। उसके अलावा एक ये नया कंसेप्ट और आ गया जिसका अभी तक मैंने बताया नहीं आपको, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि भाई ये क्या हिसाब किताब है, ये कहाँ से आ गया, क्योंकि ये नहीं आया तो इस क्वेश्चन को आगे ही नहीं बढ़ा पाएंगे अपन। तो ये एक बार सीखने की जरूरत है हमें। ये साइन हाइपरबोलिक जेड में भी फॉर्मूला बन जाता है और कॉस में भी इस तरह का कुछ फॉर्मूला होता है, वो आप खुद बनाने के लिए एक्सपर्ट हो जाओगे। मैं एक बार आपको लॉजिक बता देता हूँ, बस देखिए ये सब हटा रहा हूँ मैं, केवल इसका लॉजिक बता रहा हूँ आप। तो ये है हमारा टारगेट प्रूव करने का, और थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर टू लिख दिया था मैंने गलती से, यहाँ टू नहीं आता है, ये बात थोड़ा सा करेक्ट करना है वहाँ पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं, शुरू करने में अब देखो यहाँ पर क्या है, साइन हाइपरबोलिक जेड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये होता है ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड अपॉन टू, सॉरी माइनस आता है यहाँ, ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपॉन टू, ये साइन हाइपरबोलिक जेड का फॉर्मूला है। ये मैं इक्वेशन नंबर वन ले लेता हूँ एक बार। एक आपको ये भी पता है कि ई की पावर आयोटा थीटा कितना होता है, ये होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ऐसे ही सेम ई की पावर माइनस का आयोटा थीटा कितना होता है, भाई थीटा की जगह माइनस थीटा रख देंगे तो कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस में आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस में तो माइनस खत्म हो जाता है तो ये तो कॉस थीटा ही रह जाएगा, साइन में माइनस बाहर आ जाता है तो ये माइनस का आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, तो ये ई की पावर माइनस का आयोटा थीटा हो गया। हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इन दोनों की हेल्प से अगर मैं निकालना चाहूं ई की पावर में आयोटा आयोटा जेड, मतलब थीटा की जगह मैं आयोटा जेड लिख रहा हूं, और सेम इसकी हेल्प से मैं निकालूंगा ई की पावर माइनस का आयोटा आयोटा जेड, सेम चीज प्लस माइनस का फर्क है बस, तो क्या आएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, सेम टू सेम यहां पर कॉस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा, ये हमने लिख दिया दोनों के दोनों, इन दोनों फॉर्मुलेस की हेल्प से। अब क्या कंक्लूजन निकलेगा, पहला वाला तो देखो आयोटा स्क्वायर है, बन जाएगा वो माइनस जेड, क्या आएगा कॉस आयोटा जेड प्लस में आयोटा साइन आयोटा जेड। दूसरा वाला जो है ई की पावर में आयोटा स्क्वायर माइनस वन के कारण माइनस वन हो जाएगा प्लस वन, तो जेड वहां कितना बचेगा कॉस आयोटा जेड माइनस आयोटा साइन आयोटा जेड। अब ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप चाहो तो कॉस आयोटा जेड की वैल्यू निकाल लो, यहां फिलहाल हमें साइन आयोटा जेड की वैल्यू की जरूरत है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन आयोटा जेड मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन से कॉस और साइन दोनों की वैल्यूज निकल जाएंगी एक से ही। फिलहाल हमारा टारगेट साइन का है तो मैं साइन बता रहा हूं, कॉस के लिए आप दोनों को ऐड कर लेना आंसर आ जाएगा आपका। तो साइन के लिए देखो क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। यहां पर बचा ई की पावर में माइनस जेड माइनस ई की पावर जेड इज इक्वल टू, ये दोनों हो जाएगा टू टाइम्स आयोटा साइन आयोटा जेड, ठीक है। बस लास्ट ये काम करना है, टू को इधर डिवाइड में ले लो, तो e की पावर माइनस जेड माइनस ई की पावर जेड डिवाइडेड बाई टू, ये बन गया आयोटा साइन आयोटा जेड। अब थोड़ा ध्यान दें, ये और ये सेम है, बस माइनस का फर्क है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, यहां से माइनस कॉमन ले लें तो e की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल में आयोटा साइन आयोटा जेड हो जाएगा। अब ये वाला पोर्शन आप देखें, ये जो पोर्शन है ये होता है साइन हाइपरबोलिक जेड, तो मैं यहां वैल्यू रखता हूं माइनस का साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू आएगा आयोटा साइन आयोटा जेड, माइनस उधर भेज दो
तो साइन हाइपरबोलिक जेड हो जाएगा माइनस का आयोटा साइन आयोटा जेड, ये हमारा बन गया आंसर। तो इस तरह से साइन हाइपरबोलिक जेड की भी वैल्यू निकाल सकते हो साइन आयोटा जेड की टर्म्स में, और कॉस हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू भी निकल सकती है दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कॉस आयोटा जेड की टर्म्स में। बहुत ही आसान है एकदम, तो ये हमें कई जगह यूज आ जाता है तो इसलिए हमें ध्यान होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। बाकी और 10 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज मैं आपके लिए यहाँ पर डाल देता हूँ, उसका लिंक भी डाल दूंगा, वो आप लोग एक बार सॉल्व कर लें। आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, आराम से घर पर बैठ करके आप थोड़ा सा अपना ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।